दोस्तों आप सबका स्वागत है SBI YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के रिलेटेड, और यहाँ पे कल इंट्राडे के टारगेट्स हम देखेंगे और साथ में पोजिशनल और स्विंग ट्रेड वालों के लिए भी यहाँ पे टारगेट बताए जाएंगे। और मेन चीज है दोस्तों, यहाँ पे कल आपको ओपनिंग किस तरफ देखने को मिलेगी वो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड में फंसे होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ओपनिंग बहुत मैटर करती है। तो ओपनिंग हम पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे, इंडिकेटर्स के साथ आपको बता देते हैं ओपनिंग यहाँ पे किस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक जो होता है इंडियन टॉप 12 बैंक के ऊपर जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें आपको यहाँ पे बता देते हैं टॉप 12 बैंक्स आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट इनकी। तो इनमें से आप हम यहाँ पे टॉप 5 बैंक्स यहाँ पे लेंगे जिनका वेटेज यहाँ पे बहुत ही हैवी है निफ्टी बैंक के ऊपर। तो ये टॉप बैंक्स ली जाएंगी और इनके साथ यहाँ पे निफ्टी बैंक कैलकुलेट किया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे जिसका ज्यादा वेटेज है वो है HDFC बैंक का। तो इसी से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ओपनिंग पहले देखेंगे, उसके बाद आपको टारगेट दिए जाएंगे। तो पहले यहाँ पे हम HDFC बैंक का ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ओपनिंग देख लेते हैं। और यहाँ पे हमने HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों ओपनिंग जो है वो 70% एक्यूरेसी यहाँ पे मिलती है, क्योंकि अगर हम 5 बैंक का एवरेज निकालते हैं उसके बाद ओपनिंग डिसाइड करते हैं तो इंडिकेटर्स के साथ ही ओपनिंग यहाँ पे पता चल पाती है और प्राइस एक्शन में ओपनिंग का पता नहीं चल पाता। प्राइस एक्शन से हम यहाँ पे टारगेट्स ले सकते हैं, ओपनिंग जो है इंडिकेटर से हमें थोड़े से अच्छे सिग्नल मिल सकते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, उसमें RSI इंडिकेटर रहता है हमारे पास और MACD। तो RSI इंडिकेटर में अप ट्रेंड के सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, और MACD की बात करें डाउन ट्रेंड में हिस्टोग्राम है, लेकिन यहाँ पे जो इसका ट्रेंड है वो रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MACD सिग्नल आपकी तरफ ट्रेंड बना रहा है, यानी कि आप यहाँ से ट्रेंड बन सकता है कल के दिन HDFC बैंक का, और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसमें 1 मिनट चार्ट पैटर्न अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मार्केट ने अप ट्रेंड जो है बनाना स्टार्ट कर लिया है 1 मिनट चार्ट पैटर्न में। और यहाँ पर इंडिकेटर्स में बात करें तो उसमें MACD की बात करें, इसको हम जूम आउट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप ट्रेंड बना है, हिस्टोग्राम भी अप ट्रेंड में बन रहा है, और यहाँ पर RSI भी देख सकते हैं आप यहाँ पे अप की तरफ ट्रेंड बना रहा है लगातार। तो HDFC बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 80% चांसेस हैं कि कल गैप अप में ओपनिंग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे टॉप 5 लेंगे जिनसे हमें एवरेज पता चल पाएगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है SBI प्राइम मेंबरशिप, ये पेड चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। हम यहाँ पे प्राइवेट कॉल देते हैं जो पर्सनल यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीनशॉट है SBI टीम के जो हमारे मेंबर्स के रहते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता रहता है। तो अगर आप भी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी, सिर्फ 499 रुपीज़ में ऑफर चल रहा है अभी कुछ दिनों तक, लाइफ टाइम के लिए सिर्फ 499 रुपीज़ में। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल मिलती रहती हैं लास्ट रिकवर होने के लिए। तो अगर आप ये मेंबरशिप पाना चाहते हैं आपको काफ़ी बढ़िया लास्ट रिकवर होगा, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर इंडिया के नाम से इंस्टाग्राम पर, या फिर motivationcrew7@gmail.com पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा SBI प्राइम टीम, हमें आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में SBI प्राइम टीम का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल दी जाएगी। डिटेल देने के बाद, पेमेंट डन होने के बाद आपको प्राइवेट चैनल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप हमारा चैनल देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कॉल मिलती रहती है और बहुत बढ़िया लॉस रिकवर होता रहता है। तो इसके बाद जो हमारा बैंक है वो है ICICI बैंक, जिसका वेटेज यहाँ पे निफ्टी बैंक पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ICICI बैंक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और पहले 1 मिनट चार्ट पैटर्न हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्ट है, और इसमें हम देखते हैं यहाँ पे पहले MACD की बात करें तो इसमें जो है सीजनल डाउन ट्रेंड के मिल रहे हैं, लेकिन हिस्टोग्राम अप ट्रेंड में है। यहाँ पर भी जैसे डाउन ट्रेंड के सीजनल मिले थे लेकिन हिस्टोग्राम ने दोबारा से यहाँ पर वापसी की थी, तो वैसा कुछ यहाँ से भी अप ट्रेंड के सीजनल ही निकल के आ रहे हैं, अप ट्रेंड में है लगातार काफ़ी टाइम से। यहाँ पर देख सकते हैं आज 2 बजे के बाद से अप ट्रेंड में है MACD, और RSI की बात करें वो भी 1 मिनट चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों 5 मिनट यहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है, उसको भी देख लेते हैं। ICICI बैंक का 5 मिनट चार्ट पैटर्न अगर हम ओपन करें तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं MACD जो है, हम इसे जूम आउट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप ट्रेंड के स्ट्रांग सिग्नल ICICI बैंक में देखने को मिल रहे हैं, और RSI में भी आप देख सकते हैं अप ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डाउन आता है फिर अप डाउन अप, ये अप ट्रेंड में बना हुआ है।
तो आईसीआईसी बैंक की तरफ से भी 80% चांसेस है यहाँ पे गैप अप देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हमारा जो थर्ड बैंक है वो है यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक हम ओपन कर लेते हैं और इसमें क्या यहाँ पे सिचुएशन निकल के आ रही है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट चार्ट पैटर्न ऑलरेडी सेट है और इसमें जो हमारे पास यहाँ से सिचुएशन निकल के आ रही है, हिस्टोग्राम डाउन ट्रेंड में था लेकिन कम होते होते अब अप ट्रेंड की ओर जा रहा है और डोन से यहाँ पे स्ट्रांग सिग्नल मिल रहे हैं अप ट्रेंड के एमएसईडी की तरफ से। और 1 मिनट चार्ट पैटर्न की अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर 1 मिनट चार्ट पैटर्न में जो है एक्सिस बैंक अप ट्रेंड लगातार काफी टाइम से बना रहा है, यानी कि एक्सिस बैंक से भी कल जो है गैप अप ओपनिंग के चांसेस निकल के आ रहे हैं। अब हम दो बैंक बचे हैं उनका भी एनालिसिस करते हैं और फिर यहाँ पे हमें एवरेज पता चल पाएगी, उसके बाद हम टारगेट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फोर्थ नंबर पे है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें हमारे पास 1 मिनट का चार्ट पैटर्न है और पहले चार्ट 1 मिनट का जो है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पे एमएसईडी देखते हैं पहले, इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के सिग्नल मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड बनने के ज्यादा चांसेस हैं एमएसईडी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। 1 मिनट चार्ट पैटर्न है और आरएसआई में भी आप देख सकते हैं स्ट्रांग डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन 5 मिनट का भी यूज करके देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में हमें कैसे सिग्नल ओपनिंग के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट पैटर्न जो है सेट कर लिया है और इसमें जो यहाँ पे सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट के अकॉर्डिंग जो है आरएसआई की बात करें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, लेकिन एमएसईडी अप ट्रेंड में है लेकिन आरएसआई काफी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा जो है 70% चांसेस है कि डाउन ओपनिंग में देखने को मिल सकता है। तो एवरेज अभी तक आपकी है गैप अप की, क्योंकि इससे पहले जो तीन बैंक हमने देखी है टॉप वो गैप अप में थी, लेकिन अब बात करेंगे लास्ट जो हम यूज कर रहे हैं एसबीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या सिग्नल निकल के आ रहे हैं। इसमें 5 मिनट का चार्ट पैटर्न हमारे पास सेट है और इसमें जो यहाँ पे एमएसईडी है वो यहाँ पे हम जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है काफी कम होता जा रहा है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिला था, यानी कि अप ट्रेंड यहाँ से बनने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसमें यहाँ पे आरएसआई भी अप डाउन यहाँ पे कर रहा है, अप की तरफ जाने के ज्यादा सिग्नल हैं। और बाकी 1 मिनट चार्ट पैटर्न अगर यूज करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आरएसआई है वो यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में और अप ट्रेंड की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और साथ में यहाँ पे हिस्टोग्राम भी अप की तरफ है और काफी देर से एमएसईडी भी अप ट्रेंड बनाते दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ओवरऑल जो हमारे पास निकल के आया है 80% चांसेस हैं कल निफ्टी बैंक के अंदर गैप अप ओपनिंग हो सकती है और साथ में निफ्टी बैंक से हमें क्या सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, उसमें भी इंडिकेटर सेट करके देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इंट्राडे और साथ में पोजिशनल और स्विंग ट्रेड वालों के लिए टारगेट भी फाइंड करेंगे, काफी परफेक्ट टारगेट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में जो है उसमें भी हमारे पास दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पे सेट हैं। पहले आरएसआई देखते हैं, 1 मिनट का चार्ट पैटर्न है और आप देख सकते हैं लगातार आरएसआई में अब ट्रेंड बन रहा है 1 मिनट चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी एमएसईडी में भी आप देख सकते हैं एमएसईडी में भी अप ट्रेंड बन रहा है और हिस्टोग्राम भी अप ट्रेंड की तरफ है। बाकी 5 मिनट का चार्ट पैटर्न अगर ओपन करें तो इसमें क्या सिग्नल निकल के आ रहे हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं एमएसईडी इंडिकेटर में जो है ट्रेंड अप की तरफ यहाँ से रिवर्सल हुआ है और हिस्टोग्राम भी कम हो चुका है डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड यहाँ से बनने के ज्यादा चांसेस हैं। और साथ में बात करें 5 मिनट चार्ट पैटर्न में आरएसआई भी यहां से रिवर्सल ले चुका है और अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि निफ्टी बैंक में भी इंडिकेटर्स जो हैं अप ट्रेंड की तरफ यहां से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे ओपनिंग जो है हमने डिसाइड कर लिया है, 80% चांसेस हैं आपको गैप अप निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है और अब हम यहाँ पे जो है पूरे टारगेट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे शो करते हैं पूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ टारगेट फाइंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है टारगेट हमने निकाल लिए हैं इंट्राडे वालों के लिए भी और पोजिशनल और स्विंग ट्रेड वालों के लिए भी, काफ़ी परफेक्ट टारगेट जो है फाइंड किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट है 34,590 पे, तो पहले इंट्राडे वालों के लिए देख लेते हैं। इसमें जो आपका यहाँ पे लेवल फर्स्ट रहेगा काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे रेजिस्टेंस है 34,686 का, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आप अपने पास नोट कर लें। उसके बाद है 34,852 का, ये दोनों इंट्राडे वालों के लिए अप के यहाँ पे लेवल हैं, काफी काम आ सकते हैं। और डोन के लेवल रहेंगे इंट्राडे वालों के लिए 34,520 का,
और अगर और मार्केट ज्यादा डाउन आती है उसके बाद काफी स्ट्रांग सपोर्ट है 34,228 का। तो ये है सेंटर में जो सभी चार हैं ये इंट्राडे वालों के लिए हैं, और पोजिशनल और स्विंग ट्रेड वाले ये जरूर फोकस में रखें अगले कुछ दिनों तक, दो वीक तक आपको ये काफी अच्छे जो हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसके 35,272 का, काफी स्ट्रांग यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर बात करें सपोर्ट की तो 33,910 का ये इसका जो है काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, तो ये जरूर जो है माइंड में रखें पोजिशनल ट्रेड वाले भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, बाकी हमारा प्राइम चैनल ज्वाइन कर लें जहां पे प्राइम कॉल मिलती है 499 में, लाइफ टाइम का ऑफर है ये, निफ्टी और बैंक निफ्टी का काफी बढ़िया लॉस रिकवर हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया प्रॉफिट होता रहता है, ये हमारे चैनल के स्क्रीनशॉट है मेंबर्स के, और यहां पर आपको पता चलता रहता है कौन सा सी लेना है कौन सा पी लेना है, काफी एग्जाम्पल के साथ ये हम बता देते हैं। तो दोस्तों आप मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।